राजधानी लखनऊ में लखनऊ सराफा एसोसिएशन द्वारा माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का एक सम्मान समारोह 27 अगस्त 2022 को होटल रेगनेट में आयोजित कर रहा है। इसी विषय पर आज लखनऊ सराफा एसोसिएशन की एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सर, लखनऊ सराफा एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन की आज आपने प्रेस वार्ता करी है, क्यों करी है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सराफा एसोसिएशन सराफा जगत के ऊपर HUID नामक एक सरकार ने नया कानून थोप दिया था जो अव्यवहारिक था और उससे रेवेन्यू का कोई लॉस नहीं हो रहा था, जो हम लोगों के लिए बड़ा नॉन प्रैक्टिकल था। इसके संदर्भ में हम लोगों ने केंद्र सरकार से पीयूष गोयल, माननीय पीयूष गोयल जी से कई बार संपर्क किया, ये अव्यवहारिक है और इससे आपका रेवेन्यू का लॉस नहीं हो रहा है, ये एक्ट लागू ना किया जाए, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही थी। उसके बाद हम अपने लखनऊ के सांसद माननीय राजनाथ जी से मिले, उनको विस्तृत जानकारी दी और उनको ये बताया कि इससे रेवेन्यू लॉस नहीं है, लेकिन हम लोगों का कार्य प्रणाली इतनी जटिल हो जाएगी कि छोटे छोटे जो इंटीरियर्स के दुकानदार हैं उनको अपनी दुकानें बंद करनी पड़ जाएगी, वो बेरोजगार हो जाएंगे, लाखों हमारे कारीगर बेरोजगार हो जाएंगे, छोटे छोटे व्यवसायी बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और पीयूष गोयल जी से इस एक्ट के बारे में दोबारा विचार करने को कहा और हम लोगों की भेंट कराई। हमारी भेंट करने के उपरांत उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हाँ, इससे रेवेन्यू लॉस भी नहीं है और इससे हमें कोई बेनिफिट भी नहीं है, तो उन्होंने वो एक्ट को वहीं पे समाप्त कर दिया, जिसके लिए हमने माननीय राजनाथ सिंह जी का अभिनंदन समारोह 27 तारीख को रेगनेट होटल निराला नगर में वार्ता इसलिए की है हमारे लखनऊ के सांसद भारत सरकार के तेजस्वी रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी सराफा जगत में जो बहुत बड़ा संकट आ रहा है, कठिनाइयाँ आ रही हैं व्यापार करने के लिए HUID ट्रांसफर का, उसको उन्होंने पीयूष गोयल जी से बातचीत करके कहा कि ये पोर्टल पर है उसको बार बार ट्रांसफर से कोई लाभ तो होना नहीं, टैक्स तो वहीं एक ही जगह मिलना, इसलिए हमारी इस समस्या का हल कर उपलब्ध में हम लोग राजनाथ सिंह जी का 27 तारीख को लखनऊ के सांसद के नाते और भारत सरकार के लोग आ रहे हैं, 250-300 डेलीगेशन बाहर से आ रहे हैं और इंडिया के लिए स्टेट के टॉप लीडर्स हैं वो लोग भी हमें शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। राजनाथ सिंह जी का एक हम लोग सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करेंगे, सम्मान करेंगे। ये हम लोग का 27 तारीख को कार्यक्रम में शाम को 5 चैनल देशपद न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।